आप बिल्कुल फिक्र मत करिए। अरे चांदी चौक है कितना बड़ा, बहुत जल्दी वो आदमी आपके सामने होगा, फिर जितनी चाहे उसे गाली दे दियो आप। लेकिन उससे पहले हमारी एक परेशानी है, उसे दूर करवा दो बस। चल जाओ सर जी पंचम। अरे हाँ ठीक है, ये तूने मुंह क्यों ढक रखा है, ये सब मुंह दिखाई में आए हैं क्या? नहीं सर जी, वो अब हम आपको क्या बताएं, तब तो मुंह से ही बता रहा था, वहीं से कोशिश कर। जी मुझे क्या लग रहा है कि यहाँ पे काम करने में शर्मा रहा है, इसलिए मुंह ढक लिया है इसने। ऐसा ही बोल लिया ये? अरे आप ऐसे कुछ भी बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें यहाँ पर काम करना बहुत पसंद है। और सेठ जी क्या है ना कि हमारे दांत में दर्द हो रहा है, इसलिए हमारे मुंह में सूजन हो गई, इसलिए हम। लो सूजने से याद आया, सूजी का हलवा खाओ नेता जी, हमारी जीजी सूजी का हलवा जो है बड़ा कमाल का बनाती है। अब और कितना खाएंगे जी, अभी अभी खूब खा के तो बैठे हैं। आइए आइए दरोगा जी आइए। अरे लेंगे ना फसा लिया मुझे। क्या भाई छोटंकी, ये क्या कर दिया तूने? मैं क्या करूंगा, मैंने कुछ ना किया है भैया, मैं क्यों करूंगा? अरे दरोगा जी क्या है कि किसी सरफेरे ने नेताजी को जो है भरे बाजार में सूद दिया। अब देखो चेहरा दशहरी आम की तरह हो गया है। हाँ जी नेताजी कह रहे हैं जी एक नंबर का कंजर आदमी था, आप छोड़ना मत उसे। अरे मेरे स्वेटर के पूरा होने के पहले पहले आपका मुजरिम आपकी आंखों के सामने होगा। अच्छा नेताजी एक बात बताइए, उस मुजरिम का कुछ हुलिया हुलिया कुछ याद है? ये जो है ना अपना मंगीलाल, ये ना बहुत अच्छी ड्राइंग बनाता है, जब हमारे थाने में कोई केस नहीं होता ना, ये सुलभ शौचालय की दीवारों पे पोस्टर बना रहे होता है ये। टैलेंट एक्स्ट्रा टैलेंट जी। अच्छा ये बहुत बढ़िया बात है, तो बनाइए। ये लो पेपर, लो पेपर लो भाई, बनाओ भाई बनाओ। हाँ जी मंत्री जी बोलिए। नेताजी कह रहे हैं जी दिखने में तो शरीफ घर का था, लेकिन था एकदम कहीं आदमी, चेहरे पे भोलापन था, लेकिन हरकतें गुंडों वाली थी। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूं। अबे तू चुप करना यार। नेताजी शादी के लिए इश्तेहार नहीं देना आप, हुलिया बताइए। हाँ। कद 6 फुट लिखो जी। बाल एकदम हीरो जैसे, आंखें काली और बाल सीधे जी, बिल्कुल सीधे। लो बाल सीधे और आदमी टेढ़ा। नीता जी कह रहे उसका हाथ बहुत भारी था। आप बनाओ। बना बना अभी बना ले। अच्छा सुनिए आप लोग बनाइए, मैं आप लोगों के लिए नाश्ते का इंतजाम करके लाता हूँ। जीजा जी थोड़ा ज्यादा बनवा लिया। अबे अजी नेताजी तो नाक कैसी थी? नाक बह रही थी। गजब लग रही है आज तू। चाय चाहिए क्या दुकान पे? फुलझड़ी लग रही है एकदम फुलझड़ी। चाय के साथ नाश्ता भी भिजवा दूं? कौन आया है? तेरी सौत आके बिठाई है मैंने वहां। कौन आया है? हमेशा हवलदार की तरह खड़े खड़े सारी बातें पूछताछ कर लियो बस। सुन वो छटंकी के साथ वो नेताजी और उसका दुमछल्ला आया है। अरे वो दुकान का काम करवाना है ना। हाँ, अरे तो सीधे सीधे बोल देते ना, इतना घुमा फिरा के बोलने की क्या जरूरत थी? तेरी सच में तारीफ कर रहा था मैं। पापा कमाल है, आप दुकान इसलिए छोड़ के आए ताकि मम्मी के साथ रोमांस कर सके? नहीं बेटा अपनी नजर जो है वह हम पे मत रख, अपनी किताबों में रखा कर है। हो सकता है इस साल तुझ पे कृपा हो जाए, 11वीं पास हो जाए तू। करू पनीर के पकौड़े बना लियो।
बाबा इस बार पनीर के पकौड़ों का असर नहीं होने वाला है। क्यों पनीर खराब हो गया क्या? पनीर खराब नहीं हुआ है मामला खराब हो गया है। मतलब आपको याद है आज सुबह मैंने आपको बताया था जीजा जी ने एक बंदे की कुटाई कर दी उसने मुझे छेड़ा था। हाँ तो 10 रुपए दिए तो है नाम में अब ना दूंगा मैं उसे कुछ भी। हाँ ऐसे भी जो आपको बताने वाली हूँ ना उसके बाद इनाम की उम्मीद नहीं रख रही हूँ आपसे। मतलब जीजा जी ने जिसको कोटा था ना हाँ। वो नेताजी है। मतलब नेताजी ने तुझे छेड़ा था? अभी रोक, अरे अभी नहीं भाई पूरी बात तो सुन लो शुरू हो जाते हो पापा। हाँ बोल। अरे गलत फहमी हुई थी जीजा जी को किसी और बंदे को मारा था लेकिन कूट गए नेताजी। वो जीजा जी की भी गलती नहीं है वो मैंने गलत इशारा कर दिया था। मुझे लगता है कि पनीर के पकोड़ों के साथ साथ दही भल्ले भी बनाने पड़ेंगे। नाश्ता नाश्ता तैयार हो रहा है। अबे हो गया कि नहीं पिंकी जी पूछ रहे हैं। हाँ हो गया सर। अबे मंगीलाल इतना धुंधला क्यों बनाया ये स्केच? तेरी ड्राइंग एकदम गड़बड़ हो गई पहले जैसी नहीं थी अब। अबे सर आप भूल गए आपकी पास की नजर कमजोर है। ओ हाँ मेरे पास की नजर कमजोर है वो चश्मा तो मैं थाने बोला वो है ना पालक की गड्डी के नीचे। अच्छा एक काम करते हैं जिनकी ठुकाई हुई है पहले उन्हें दिखा लेते हैं। मतलब आप देखिए देख लीजिए। नेताजी कह रहे हैं जी ये बिल्कुल हूबहू वही आदमी है जिसने उनको धोया था। नेताजी आप चिंता ना करो जी जिसने भी आपकी ऐसी हालत की ना जल्द से जल्द उसे पकड़ के आपके सामने लाऊंगा मैं। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूं। चल चलिए। अच्छा संजीव मित्र घुमा में चलो भाई। अबे पंचम जा गंद से नाश्ता लेके आजा। नेताजी कह रहे हैं ये वही आदमी है बिल्कुल वही आदमी। रुक रुक यही रुक। अरे अरे कैसी बातें कर रहे हैं ये तो मेरी दुकान पे बच्चा काम करता है बहुत सीधा बच्चा है। अच्छा इसीलिए इसने नेताजी को सीधे आसे मारा था है? यही है यही है। देखिए नेताजी हमसे गलती होगी हमसे गलतफहमी में हमने आपको सूद दिया हमें माफ कर दीजिए हमसे बहुत बड़ी गलती होगी हमसे अगली बार ऐसी गलती नहीं होगी प्लीज नेताजी सच में हमें नहीं पता था कि आप प्लीज। नेताजी कह रहे हैं दोबारा देख के रुकेंगे थोड़ी ना दुम दबा के उसी टाइम भाग जाएंगे। यही है प्लीज आप उनसे कह दीजिए ना कि वो बुरा ना माने प्लीज कहिए ना उन्हें। नेताजी कह रहे हैं कि एक तो तुम उन्हें कुत्ते की तरह धो और दूसरा वो बुरा भी ना माने ये क्या बात है यार गलत आदमी। नेताजी कह रहे कि वो तुमसे भी बहुत नाराज है क्योंकि तुमने ऐसे आदमी को दुकान पे नौकरी पे रखा है। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि इसे भी छोड़ दो है? इसकी सजा मैं दूंगा इसको
छह महीने की तनख्वाह काट लूंगा इसकी। नेता जी कह रहे हैं कि तुम इसकी छह महीने की तनख्वाह नहीं काट सकते। मतलब क्योंकि दुकान रहेगी तो इसको तनख्वाह दोगे ना। नेता जी कह रहे हैं कि दुकान का अगला हिस्सा ही नहीं, अब तो पूरी की पूरी दुकान जाएगी। अरे क्या बात कर रहे हैं, मलबे में। चलो नेता जी, चलो आ जाओ। बात तो सुनो यार मेरे। अरे सुनो तो, बचा लीजिए। सूद दिया तूने उन्हें गलती से। पहले तो आधी दुकान तोड़ रहे थे वो लोग, अब तेरी वजह से पूरी दुकान तोड़ने की धमकी देके गए हैं वो लोग। पापा मैंने क्यों किया, हद हो गई यार, मुझे ऐवी लपेटे में मत लो समझे। नेता जी को किसने पिटवाया बता, तूने पिटवाया है नहीं? मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, जीजा जी, जीजा जी ने कुटाई की है। अरे लाइची जी, आप ही ने तो हमें बोला था कि उसकी कुटाई करनी है। चुप रहो दोनों। इलायची चाहिए मुझे दीक्षित के। सेठ जी हम उनसे माफी मांग लेंगे, सेठ जी हम तैयार है माफी मांगने के लिए। और वो दे देंगे, उनके पास माफी का स्टॉक रखा है ना, तू मांगेगा तेरे हाथ में रख देंगे, ले ले जा, ले जा माफी ले जा। बेटा तू अपने संगीत पे ध्यान दे बस। सेठ जी हमें प्रोत्साहित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इस समय वो भी। हाँ किया है प्रोत्साहित, इसलिए किया है कि दुकान तो टूटने वाली है, कोई ना कोई तो घर में होना चाहिए जो स्टेशन पर जाके हारमोनियम बजा के चार पैसे कमा के ला सके घर में। अरे कौन तोड़ा है, नहीं तोड़ा है कोई दुकान हानि तो। क्यों तू चांदनी चौक की महारानी हो रखी है क्या? तेरी इजाजत लेंगे तब तोड़ेंगे दुकान, है ना? महारानी तो मैं हूँ पापा, लेकिन फिलहाल इतना कह रही हूँ कि टेंशन मत लो, मैं सब सेट करूंगी यू। अरे चुप रहे तू, चुप रहे तू, सिर्फ अपने बाल सेट कर सकती है बस, और कुछ नहीं। सब सेट कर दूंगी। और क्या सेट कर देगी तू? तू क्या ऊपर वाले से वरदान लेके आई है, क्या आशीर्वाद देगी और सब सेट हो जाएगा? अरे कुछ ना सेट होगा, दुकान तो टूट जाएगी, सब बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया है। लाइफ में ना टंटे हो रखे हैं इलायची जी, टंटे बिखर गए हैं। कुछ काम कर ले यार। वैसे ये इलायची जी ना हमारे जीवन में एक ग्रहण की तरह लगी हुई है, सब कुछ बर्बाद कर दिया यार, सब कुछ। यार पंचम, सुनीता जी से अब जो जुदाई बर्दाश्त ना होगी। यार तू बड़ा ही घटिया आदमी है यार, हमें घर छोड़ना पड़ रहा है और तुझे अपने ये इश्क और प्यार की पड़ी हुई है। भाई तू कपड़ों पे ना जा, आत्मा पे जा यार, अंदर से तो बंदा ही हूँ। बकवास करने में ना तुम। चीचा जी छत पर है जी? फिलहाल तो है, कल नहीं होंगे। क्यों अब छुट्टी मनाने जा रहे हैं? हाँ जी हम दोनों ना पेरिस जा रहे हैं, आप चलेंगी साथ में? लाइफ में ना टंटे हो रखे हैं जी जी, मतलब कैसे अजीब आदमी हो, इतने बुरे टाइम पे कौन मजाक करता है? दांत देनी पड़ेगी आपकी। इलायची जी मजाक तो आपने किया हम दोनों के अरमानों के साथ। आय हाय जीजा जी, मतलब कभी अपने अरमान बता के तो देखा होता हमें। इलायची जी हमारा साथ यहीं तक था, सुनीता जी को मेरा प्यार देना, बोलना कि अगर वो सामने होती तो मैं उनको गले से लगा लेती, कभी ना छोड़ता। कभी ना छोड़ती।
बुबू जरा अपने अरमानों को कंट्रोल में रखो। इलायची जी अब आप जाइए, हमें जरा सामान बांधना है, और वैसे भी हम अपनी दुकान को अपनी आंखों के सामने टूटते हुए नहीं देख सकते। अरे यार कितने रोंदू, रोना बंद करो यार, इतने जल्दी की हार मान ली, ऐसा थोड़ी होता है। What is this? Please leave. हमें हमारे हाल पे छोड़ दीजिए। अरे ऐसे कैसे छोड़ दें आपको? मतलब ऐसे कैसे छोड़ दें आपके हाल पे? हाँ जीजा जी, जीजा जी एक तो जबरदस्त आइडिया है मेरे पास कि सुन के मजा आ जाएगा आपको, सुनाओ। नहीं हमें कोई आइडिया नहीं चाहिए लाइजी जी, बस करिए, हमें नहीं चाहिए कोई आइडिया प्लीज। हाँ नहीं नहीं चाहिए तो नहीं देती, लेकिन जीजा जी ये वाला जो आइडिया था ना बहुत ही अच्छा था, और इससे हमारी दुकान भी बच जाती और आप भी बच जाते। जीजा जी ये वाला जो आइडिया था ना बहुत ही अच्छा था और इससे हमारी दुकान भी बच जाती और आप भी बच जाते। नहीं इलायची जी अगर आपका आइडिया हमें सुनीता जी से दूर होने से बचा सकता है तो बताइए। अबे बोलना। बोलिए ना गुगु। बोलिए इलायची जी, वैसे भी आप बिना बोले कहाँ जाने वाली हैं, आप पूछती क्यों हैं, हमें तो यही नहीं समझ आता, बोलिए। पिंटू भाभी। हाँ जी अब पिंटू भाभी बजाएंगे दुकान को भी और आपको भी, तो सुनिए। नीजी करियो सेठ जी, जी बताओ आज इतनी चुप चुप से क्यों हो तुम, क्या हो गया? क्या सुनना चाह रहा है तू? मेरे दिन खराब चल रहे हैं, मैं बर्बाद हो गया? सेठ जी ऐसा क्यों बोल रहे हो? ऐसा मैं क्यों चाहूंगा, लेकिन मैं जो सपने देख रहा हूं ना आजकल, सेठ जी भी इसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। क्या सपना देख लिया तूने? अरे कुछ मत पूछो, अगर मैंने तुम्हें सपना बता दिया ना मेरा कलेजा मुंह को आ जाएगा। तो अपना कलेजा जो है अपने मुंह में बंद करके रख, कहीं सपना सुन लिया तो हो सकता है मैं ही तेरा कलेजा बाहर निकाल लूं। अब तो वरना बताऊंगा मैं, तो बता दो। ना ना बताऊंगा। अरे बता दे। अरे फायदा क्या, ना बताऊंगा। अरे बता दे कैसे मरूंगा मैं, दिल का दौरा पड़ने से मरूंगा या किसी की जान लेके मरूंगा? सेठ जी मैंने ये देखा, मैंने ये देखा कि तुम ना जो तुम्हारी दुकान है लहंगे की वो पूरी तोड़ फोड़ दी गई है। हाँ लोग तुम्हें यही मोहल्ले में घसीटते हुए ले जा रहे हैं कुत्ते की तरह, तो तुम्हारे जो जी कपड़े हैं ना ऐसे करियो कर दे, तुम्हारे जो जी कपड़े हैं पूरी तरीके से फटे हुए तार तार हो गए हैं, और तुम्हारे हाथ में सेठ जी मैंने ये देखा बड़ा वाला कटोरा है स्टेनलेस स्टील का, देखा मैंने महंगा वाला कटोरा। तू बस ऐसे खराब सपने देखते रहियो है, कभी अच्छा सपना मत देखियो मनोज कहीं के। सेठ जी मैं ना मनहूस हो रहा हूँ, मेरे सपने मनहूस हो रहे हैं मुझे तो, उल्टा तो भाई चिंता है, रात दिन सोच रहा हूँ तुम्हारे बारे में। ओ जीजा क्या है? अच्छी खबर है क्या? फिर से जेल जा रहा है तू? अरे यार तुम बस यही पेलते रही हो, एक मैं ही बेवकूफ हूँ जो तुम्हारे चक्कर में अपनी कमर जकड़ाए फिर रहा हूँ। बहुत बड़ा काम हो गया तुम्हारा। क्या कर लाया काम तू? अरे बड़े हाथ पैर जोड़ना पड़े नेताजी के, तब कहीं जा करके आने को राजी हुए हैं। हम तो चाह रहे हैं कि तुम्हारी बिगड़ी बन जाए। तो इतना गर्म होके गए थे वो मान गए आने के लिए? माने कहाँ है, हाथ गर्म करना पड़ेंगे। कल जो गाल गर्म हुए थे उसका क्या? यार बकवास करोगे तो मना कर दूंगा यार, जब किसी से कोई काम कराओगे तो पैसे देना पड़ेंगे ना थोड़े बहुत। अरे ठीक है सुन, दुकान के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, चल। और इलायची कैसी है? नेताजी। अरे जीजा जी अरे देखो तो यार किसको पकड़ के लेके आए। नेताजी नेताजी पूछ रहे हैं कि चाय पानी का इंतजाम किया है कि नहीं? चाय पानी? अरे लेकिन अभी तो खाने का टाइम हो रहा है नेताजी।
नीता जी पूछ रहे हैं चाय पानी, ये स्टंकी ने आपको बताया नहीं? कभी स्टंकी, तूने मुझे बताया नहीं कि खाना खाने से पहले चाय पानी लेंगे नेता जी? कमाल कर रहे हो, मैंने तुम बता नहीं था वो। अरे हाँ जी 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 नेता जी, थोड़ा मिठाई मिठाई खा लीजिए, उसके बाद चाय पानी भी हो जाएगा। अरे इलायची की माँ, इलायची की माँ, हाँ मिठाई लेके आ, नेता जी आए। जीजा जी वैसे ना हम तो ये छुप के खड़े, बड़ा मजा आ रहा है मुझे एकदम कोजी कोजी। इलायची जी क्या पता नहीं ये पिंटू खा रहे क्या? हमारा मतलब है कि पिंटू खा रहेगी बुबू बुबू हमारी बुबू। लीजिए खीर, मैंने अपने हाथों से बनाई है खास आपके लिए। Oh,